कि अगर हाथी आपको देखना है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ हाथी देख लेने के बाद में आपको ओरिजिनल हाथी देखने का शौक भी नहीं होगा। हाय, मैं 10 रुपीज़ चले गया यार, एक फोटो नहीं लिया यार। और यहाँ से आप सीढ़ियों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वॉल ऑफ चाइना है, वो वहाँ से घूमती है, ऐसे जाकर वहाँ से घूम कर नीचे जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं लखनऊ में हूँ और अभी मैं खड़ा हूँ गोमती नगर में, जो कि हज़रतगंज से यहाँ पे आते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, जो कि यहाँ का काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी फेमस पार्क है। ये बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो आपको करवाने वाले हैं इसकी सैर, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन रोड है, ये इस तरफ से हज़रतगंज से आ रहा है और ये शहीद पथ की तरफ जा रहा है। ये है सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, और उसके फ्रंट में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है, काफ़ी विशाल पार्किंग है। यहाँ पे आप मोटरसाइकिल से आए हैं, कार से आए हैं या फिर बस से आए हैं, आपको यहाँ पर पार्किंग की कोई इशू नहीं होती है। तो दोस्तों, ये है इसका एंट्री गेट, और इसके जो खुलने का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से हो जाता है, 11 बजे से इसकी एंट्री होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा टिकट काउंटर। ओ वाव यार, इसकी खूबसूरती को देखेंगे ना तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत पार्क है यार। वाव, इस तरह का पार्क मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस पार्क को कुमारी मायावती जी ने बनाया था, जो उस समय की CM हुआ करती थी। और इसका एरिया देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही बड़ा विशाल सा एरिया है, देखने में ऐसा लगता है ना कि ये पार्क नहीं कोई एयरपोर्ट वगैरह है। और दोस्तों, जैसे ही आप टिकट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ है बड़ा सा फाउंटेन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और उसी के आगे बढ़ के आपको टिकट मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने टिकट ले लिया है, इसका 15 रुपीज़ का टिकट होता है। और ये है वो एंट्री पॉइंट, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है इसे। ये फ्रंट में मे बी ये स्मार्क वगैरह होगा। दोस्तों, जब भी आप लखनऊ में आए तो ये पार्क, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने इस तरह का पार्क इससे पहले कभी देखा होगा। चारों तरफ से इसका एरिया आप देख सकते हैं। वो था एंट्री पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया। दोस्तों, इस पार्क को भीमराव अंबेडकर मेमोरियल के नाम से मायावती जी के द्वारा बनाया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश की जो CM थी वो मायावती जी थे। ये एक ऐसा पार्क है जिसे टिकटॉकर, यूट्यूबर हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और एक तरह से सेल्फी पॉइंट के लिए सबसे अच्छी जगह है। और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स, फैमिली वगैरह, और जो लोग स्पेशल घूमने में शौक़ रखते हैं तो वो यहाँ पे आना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और आप चारों तरफ से देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर आप फ़ोटो सेशन वगैरह करना चाहते हैं तो यार यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने ऐसा पार्क नहीं देखा था और कभी सोचा भी नहीं था। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उस तरफ आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े विशाल से बने हुए हाथी, सैकड़ों हाथी वहाँ से यहाँ तक बने हुए हैं। इसे गुलाबी पत्थर से बनाया गया है, और इसकी एरिया की अगर बात करें तो 107 एकड़ में ये फैला हुआ है। और जिस तरफ आप देखेंगे, जिस पिलर पर भी देखेंगे, हाथी हाथी हाथी, हर जगह पे आपको हाथी दिखने वाले हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा पार्क है जो बिल्कुल पार्क जैसा नहीं है, हर पार्क में आपको पेड़ पौधे, फ्लावर्स, ये सब मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ पौधे यहाँ पे 2% भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, हर तरफ आपको आर्किटेक्चर, बनावट, यही सब दिखने वाला है। तो अगर कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं आप, तो आप ऐसी जगहों पे आ सकते हैं, बहुत ही यूनिक फीलिंग्स आपको होने वाले हैं यहाँ पर आकर। और इसे जाना जाता है हाथी दीर्घा के नाम से, और इस तरफ आप देख सकते हैं हाथी,
वहाँ भी देख सकते हैं हाथी, वहाँ भी हाथी, वहाँ भी हाथी, हाथी 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 हाथी, बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों ऐसे हाथी हैं जो आपका स्वागत करते हैं। यहाँ से हाथी शुरू होता है और आप देखते रहिए, बट हाथी ख़त्म नहीं होगा। और ये वाला भी जो लाइन है इसमें भी आपको हाथी हाथी दिखने वाला है। ऐसा लगता है कि ये हाथी से बड़ा हाथी है, क्योंकि ये चबूतरे पर बनाया गया है। देखने में ऐसा लगेगा कि हाथियों का मेला है। और इस तरफ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा सा स्टैचू। तो ये है स्टैचू, इसके नीचे में आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने लोगों के लिए जो संदेश था वो इस पे लिखा हुआ है। और यहाँ से आप पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं, दो फ्रंट से, एक ये और एक सामने से, आपको सैकड़ों की संख्या में हाथी देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माई गॉड, बहुत सारे हाथी हैं। तो ये है वो पार्क जो कि मायावती जी के तरफ से बनाया गया है। और आगे आपको एक पार्क देखने को मिलेगा जिसको ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क कहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया है। और आप नीचे का फ्लोरिंग देख सकते हैं, ऐसा फ्लोरिंग आपको इससे पहले पार्क में नहीं दिखा होगा। और अगर आप बरसात के मौसम में आने वाले हैं तो इसमें मस्त फिसलन होती होगी। इस तरह से जगह जगह पर लाइटिंग दी गई है जो रात में इसके सीन में, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं ज्योतिबा फूले, और भी बहुत सारे स्टैचूज यहाँ पे हैं, बट उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है इसका स्ट्रक्चर। और वहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे ये देखने को मिलेगा म्यूज़ियम, जो कि ऊपर का आप नक्शा देखिए डोम शेप में बनाया गया है। और लोग वहाँ भी ऊपर जाते हैं, वहाँ से पार्क का नज़ारा लेते हैं। और भाई इस तरह से रास्ता है, आप म्यूज़ियम तक जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एंटीक पेड़ हैं, देखने में आर्टिफिशियल से लग रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल एक्चुअल में है नहीं है। ये ऐसी ऐसी इमारतें भैया 100, 200, 300, 400, 500 साल बहुत दिन टिकने वाली हैं। इस पार्क को जो बनाया गया था, मेनली इसका जो बेस था वो सामाजिक परिवर्तन का था, मतलब ये कि समाज में जो भेदभाव चलता है उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर तक लेकर जा रही हैं, तो भाई यहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। हालांकि आप लोग कहाँ से हैं? मैं आगरा से हैं। आप आगरा से हैं? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास, सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, यस सर। तो आप भी आगरा से ही? हाँ। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा। यहाँ पे जो लोग फॉरेनर लोग जो आते हैं ना, वो एक फॉरेनर मिले जिनके साथ फोटो करवा रहे थे लोग, तो वो 10 रुपीज पर फोटो मांग रहे हैं। भैया बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मेरे साथ उन्होंने फोटो भी खिंचाया था और 10 रुपीज इसके साथ फोटो खिंचवा के 10 रुपीज लिया भैया। और लेडी वॉज नॉट अलाउड। हाँ, लेडी अलाउड नहीं थे। मैं 10 रुपीज चले गया यार, एक फोटो नहीं ले आया। बहुत सारी सीढ़ियों को पार करने के बाद लगभग हम लोग टॉप पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ आकर एक बात तो भाई आप कह सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है, और ये सब पार्क है जो सदियों तक टिकने वाला है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं एकदम टॉप पे पहुंच चुका हूँ, और ये है इसके ऊपर का डोम, ऐसा लगता है इसके ऊपर भी जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरफ से अगर हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा ड्रोन व्यू, ये आप देख सकते हैं कितनी दूर में फैला हुआ, 107 एकड़ में बनाया गया है ये पूरा का पूरा पार्क। और मोस्टली लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे के साथ पल को बिताने के लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर वो दूर से आते हैं तो इस जगह को देखने के लिए, घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और यही है वो विशाल सा डोम जो देखने में अस्तूपा जैसा लगता है। ये तो बड़ा वाला है और वो छोटा वाला है। और यहाँ से आप सीढ़ियों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वॉल ऑफ चाइना है। वो 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 वहाँ से घूमती है, ऐसे जाकर वहाँ से घूमकर नीचे जाती है। और इस तरफ आप नीचे देख सकते हैं यहाँ भी है दो हाथी, मतलब ये कि अगर हाथी आपको देखना है तो यहाँ आ जाओ। यहाँ हाथी देख लेने के बाद में आपको ओरिजिनल हाथी देखने का शौक भी नहीं होगा। प्रॉमिस है। दोस्तों अगर बात करें सेल्फी पॉइंट की,
या ऐसी जगह की जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, तो इतना फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हैं, इतना फ़ोटो ले सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है उसका स्टोरेज बिल्कुल फुल हो जाएगा। और वो मेरे पीछे है एग्ज़िट पॉइंट। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ का फुल टूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।